अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे टूर का तीसरा दिन है और इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है। नमाज़ पढ़ के हम लोग अभी बाहर आए, रोशनी जब खुली तो बहुत खूबसूरत व्यू हो रहा है और इस व्यू के बीच में बिल्कुल अपने बेस कैंप के अंदर हमें हमाद अब्बासी साहब एक एक्टिविटी करवा रहे हैं। हमाद साहब के पास आपको लेके जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि सर ये क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या कंपटीशन है इन सारे। जी, कंपटीशन ये है जी जी कि बॉल है और पेन है। सही। तो पेन की बैक साइड से बॉल को कंट्रोल करना है। ठीक है। और पूरी टीम ने मिलकर करना है और उसको एक पॉइंट से पॉइंट बी पे ले जाके छोड़ देना है। ठीक है। ये और बाकी इनसे कितना डिस्टेंस है वॉकिंग यहाँ से, कितने स्टेप्स होंगे? 20 स्टेप्स, 15 स्टेप्स, 15 से 20 के दरमियान है। सारी टीम्स कोशिश कर रही हैं कि बॉल के नीचे पेन रख के तो बॉल को ऊपर उठाया जाए। बॉल लाइट होने की वजह से थोड़ी सी हवा चलती है तो बॉल नीचे गिर जाती है। हिंट ये है कि आपने बॉल को नीचे से नहीं उठाना, बॉल के बिल्कुल साइड पे आपने प्रेशर लगाना है। लेट्स सी कि ये एक टीम ने इस बॉल को अब उठा लिया है, लेकिन स्टिल दे आर अब देखते हैं कि अब ये इसको हम गुज़श्ता रोज़ के लुत्फ़ानंदोज़ मनाज़िर और ठंडी हवाओं के झोंके नहीं भूले। आज नमाज फजर के मुत्तसिल बाद ही हमारी एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो गया। अतालीक टीम ने हमें टारगेट ओरिएंटेड टीम वर्क के बारे में सरगर्मी करवाई। इस दौरान हमारा नाश्ता भी तैयार हो चुका था। नाश्ते के बाद मौसम यकसर बदल गया। अच्छा जी, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। वन बाय वन दोस्त हमारे साथ आ रहे हैं। हम जिस जगह पे कैंप किया हुआ है, ये इस जगह को सिक्योर किया गया है ताकि जंगली जानवर यहाँ पे ना आ सकें। यहाँ पे रीछ होते हैं, भेड़िए होते हैं और शेर भी कभी कभी यहाँ पे साइड में आ जाते हैं, लेपर्ड्स वगैरह होते हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमारे कैंप के बाहर ये बाड़ भी लगाई गई है। अभी हमारे दोस्त एक एक करके, दो दो करके यहाँ पे ओपन एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने जो रेन कोट्स हैं वो पहन भी लिए हैं क्योंकि बारिश बिल्कुल हमारे सरों पे खड़ी है और करीब है कि बारिश शुरू हो जाएगी। आज हमारी हाइकिंग गुज़श्ता रोज़ से मुख्तलिफ थी। इस ट्रैक के बारे में हमें बताया गया कि यहाँ काफ़ी फिसलन है, इसलिए चलते हुए ज़्यादा मोहतात रहा जाए। हमारे तमाम दोस्तों ने तैयारी की और तमाम ज़रूरी सामान अपने साथ ले लिया, जिसमें बरसातियाँ, हाइकिंग स्टिक्स, वाटर बॉटल्स और विसल्स शामिल थी। कैंप एरिया से निकलने के बाद लॉगर यानी सबसे पिछला साथी और पेसर यानी सबसे अगला साथी मुंतखब किया गया। इसके बाद हम आसिम रजा शाह भाई के साथ हाइकिंग के लिए निकले। आज का मौसम बड़ा सुहाना था। यह रास्ता चूंकि काफी फिसलन वाला था, इसलिए साथी काफी मोहतात कदम रख रहे थे। कुछ देर चढ़ाई के बाद मौसम मजीद ठंडा हो गया। यहाँ कुछ देर के लिए हम रुके। साथियों ने अपने जज्बात का इजहार किया। माशाल्लाह, आज का सेकंड हाइकिंग डे है और आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त नेचुरल ब्यूटी है। बादलों में घिरा हुआ जंगलात है चारों तरफ हमारे माशाल्लाह, और जबरदस्त किस्म के बादल है और हम इसमें बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। आज थोड़ी सी टफ है हाइकिंग क्योंकि हाइट और चढ़ाई ज्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको अचीव करेंगे अपने टारगेट्स को इंशाल्लाह। आज हमारा सेकंड डे है और क्या ही जबरदस्त मजा आ रहा है। सुभानअल्लाह, देखिए बादलों के अंदर घिरे हुए हैं। सेकंड डे है, बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों की महफिल है, मजलिस है, मौसम है और एक मजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और चढ़ाई भी है और चढ़ाई के साथ साथ जो है ना एफर्ट भी है और लर्निंग भी है, लीडरशिप स्किल्स भी हैं, सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं आपस में जो है ना, महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। मुझसे तो आप लोग बात करते ही रहते हैं, तो नाजिम भाई आप बाकी लोगों से इनकी बात करवा दें। मतलब उस्मान भाई बैठे हैं। उस्मान फ्रॉम पेशावर, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ट्रिप व्हिच आई एवर हैड इन माय लाइफ माशाल्लाह, एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, एंड दिस इज द बेस्ट द मनी कैन बाय माशाल्लाह। कोला जब दोस्त यू, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। कल हम लोग गए थे पहाड़ों की तरफ हाइकिंग के लिए, आज हम आए हैं जंगलों की तरफ। सुना है यहाँ पे रीच वीच भी होते हैं, तो उस वजह से ज़रा एक्साइटमेंट भी रहेगी, जिस्म भी गर्म रहेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है मज़ा आएगा। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ, हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई। हमारे टूर गाइड जनाब आसिम रज़ा ने रास्ते के बारे में टिप्स दी कि पहाड़ों में रास्तों का तायुन कैसे किया जाता है। हमारे साथी इस दौरान कुदरत के खूबसूरत मनाजिर से महजूज होते रहे। बारिश तेज हो जाने की वजह से हमारा कैमरा वर्क तो मुतासिर हुआ, लेकिन मौसम की रोमानवी अंगड़ाई के साथ हमारे साथियों ने शेर व शायरी भी शुरू कर दी। तो और भी एंजॉय हो रहा है माशाल्लाह। कभी बारिश, कभी धुंध, कभी बादल, कभी धूप, कभी सूरज, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बरूज सहरा, मैं जनू का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। एक खुली जगह पहुंचने के बाद अतालीक टीम ने एक सरगर्मी करवाई। मौसम बारिश, छतरी हटा दो, बारिशों का मौसम, और हम लोग अभी तक ट्रैकिंग कर रहे हैं। आप जब भी आना चाहते हैं तो अपने साथ बारिश से बचने का सामान ज़रूर रखें। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, मेरे अकब में बहुत से लोग आ रहे हैं। वलीद भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप आगे निकल जाएं तो हम इनको कैप्चर कर सकते हैं। और ये देखें, मेरे अकब में बहुत से लोग आ रहे हैं साथ में, और थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। और बेस कैंप में जाके अगर चाय मिल जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा जी। चाय के साथ में चाय के बगैर बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। ये हमारे शोएब सलीम अफरीदी भाई मेरे साथ साथ मेरे टीम मेट भी हैं, हमारे टेंट के लीडर भी यही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है। आज हमारा लास्ट डे है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी होंगी हम इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को साथ रखेंगे। अब रास्ते यहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं, अब देखते हैं कि हम कौन से रास्ते पे जाएंगे। अभी हमारे जो टूर गाइड हैं वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारा कैंप की तरफ वापसी का सफ़र शुरू हुआ। अब रास्ते में बारिश का पानी भी था, मुसलसल उतराई के साथ काफ़ी एहतियात की ज़रूरत थी। हमारी ट्रैकिंग ख़त्म हो चुकी है और बारिश भी रुक चुकी है। इस वक्त हम लोग अपने बेस कैंप की तरफ वापस जा रहे हैं। हमारे टूर गाइड भी हमारे साथ हैं, हम इनको शाहजी कहते हैं, आसिम शाह इनका नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गाइडेंस में हमें बड़ी फैसिलिटेशन रही। तो अब हम अपने बेस कैंप की तरफ वापस जाते हैं और वहाँ जाके हम अपने दोस्तों को चाय पिलाते हैं। तो हमारे साथ अब हम कैंप के नज़दीक पहुंच चुके थे। हमने देखा कि हमारे कैंप के इर्द गिर्द काफ़ी कूड़ा करकट जमा हो चुका है। हम लोगों ने आपको बताया था कि आज हम लोगों ने हाइकिंग की थी, कल भी हम लोगों ने हाइकिंग की थी, तो ड्यूरिंग द हाइकिंग हम लोगों को जो चीज़ ऑब्ज़र्व हुई वो ये है कि मुख्तलिफ ट्रैकिंग एरियाज़ के ऊपर और कुछ प्ले ग्राउंड्स के अंदर यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो वो कुछ ना कुछ कचरा यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं, और कुछ लोकल आबादी भी ऐसी है कि जो कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके यहाँ पर कचरा फेंक देती है। तो कुलियतु शरिया के ग्रेजुएट्स ने एक छोटा सा प्लान बनाया है अतालीक के साथ मिलके कि वो यहाँ पे जितना एरिया कवर कर सकते हैं विद इन 45 मिनट्स हम इंशाल्लाह इस जगह को साफ करेंगे। नमाज़ ज़ुहर से कबल और बाद अतालीक टीम ने चंद दीगर सरगर्मियाँ करवाईं, जिसका बुनियादी मकसद मनसूबा बंदी की अहमियत था। इसके बाद दोपहर का खाना खाया गया और शुरका आराम के लिए अपने खेमों में चले गए। इस तफरीही और सियाहती प्रोग्राम के दौरान अपने फौजला इकराम को इतनी एक्टिविटीज़ करवाने का मकसद उनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारना था, ताकि वो अमली ज़िंदगी में बेहतर कारकर्दगी के साथ साथ मुआशरे में मुस्बत किरदार भी अदा कर सकें। हम लोग अभी
क्लीन अप करके वापस अपने बेस कैंप में आ चुके हैं और जितना गार्बेज हम लोगों ने इकट्ठा किया है वो हमने एडवेंचर एज वालों के हवाले कर दिया है और ये इसको उस जगह पे मुंतकिल कर देंगे जहाँ से उसको प्रॉपरली डिकम्पोज किया जा सके या डिस्पोज ऑफ किया जा सके। एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी बात जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की वो ये है कि बीइंग पाकिस्तानी ये हम लोगों का एक नेशनल बिहेवियर बन चुका है कि हम छोटा सा रैपर किसी भी खाने की चीज़ का एडेबल का हम अपनी गाड़ी के अंदर नहीं रख सकते ताकि हम उसे डस्टबिन में डाल दें, उसे हम सड़क पर फेंक देते हैं। ATM से हमने स्लिप निकालनी है तो वो स्लिप वहाँ पर डस्टबिन होने के बावजूद भी स्लिप हम डस्टबिन में नहीं फेंकते, ATM बूथ में फेंक देते हैं। तो वी हैव टू रीथिंक आवरसेल्व्स, हमें सोचना चाहिए कि बीइंग पाकिस्तानी हम लोगों को इस सफाई को किस तरह से मेंटेन रखना है। ये एक दिन का काम नहीं है, वी आर हेयर और हम नहीं जानते कि हम आइंदा यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये हमारी एक कंटिन्यूस हैबिट होनी चाहिए कि हम गार्बेज इस तरह से किसी गैर ज़रूरी जगह के ऊपर ना फेंके। एंड वी होप दैट कि एडवेंचर एज वाले कुलियतु शरिया के ग्रेजुएट्स की इस एफर्ट को वॉइड नहीं जाने देंगे, इसको ज़ाया नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। सफाई के बाद इलाके की खूबसूरती में इजाफा हो गया। बाद अजां लीडरशिप बूट कैंप के शुरका का कहना था कि कुलियतु शरिया के इस सरगर्मी से हमने बहुत कुछ सीखा। हम उम्मीद करते हैं जामियतु रशीद ऐसे सियाहती और तफरीही प्रोग्राम तश्कील देता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल टू कुलियतु शरिया जामियतु रशीद कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्रिप अरेंज किया। ये एक तरगीब हमारे सामने हुई कि अगर हम अपनी चीज़ों को प्रोफेशनली करना चाहें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमने इन सेशन से बहुत ज़्यादा सीखा और हमारी पर्सनल ग्रूमिंग भी इससे बहुत ज़्यादा हुई। इसमें हमने मुख्तलिफ सेशन जैसे पैराडाइम पर्सपेक्टिव की हमने वो सेशन इन्होंने हमें कराए। पहले हमारा ये था कि हम हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखते थे, हम ये समझते थे कि हम जो कहते हैं वही सही है, लेकिन इन्होंने हमें सेशंस कराए जिसमें हम इन्होंने हमें ये सिखाया कि आपने औरों के पर्सपेक्टिव को भी देखना है। बहुत ही अहम तरीन और बहुत कीमती मालूमात हैं ये जो कि हमारे लिए भी ज़रूरी हैं और पूरी कम्युनिटी और माशरे की ज़रूरत हैं वो हम तक पहुँचाई हैं। पहले तो मैं कुलियतु शरिया डिपार्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ बहुत आसानी से हमें ये चीज़ें समझाई मुख्तलिफ सेशंस करके और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करके हमें ये समझाया बहुत ही आसानी के साथ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जामियतु रशीद का, उसके डिपार्टमेंट कुलियतु शरिया का कि जिन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। आज इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।